जय शंकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हे गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और तंदुरुस्त हो गए, और तंदुरुस्त होने भी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली है ना। तो आज का ब्लॉग फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं जटोली के लिए। सो आज काफ़ी फन भी करेंगे और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करेंगे क्योंकि मेरे जो कॉलेज के दोस्त वगैरह हैं इंस्टीट्यूट के, वो मेरे साथ ही चल रहे हैं और हम गाड़ी लेके जाएंगे। सो अभी सबसे पहले तो हम जाएंगे अभी पार्किंग जो हमारे टोटो ग्राउंड के नज़दीकी है, वहाँ पे गाड़ी लगी हुई है। तो अपने दोस्तों से मिलते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं फिर जटोली के लिए। बाकी रास्ते में जितने भी शॉर्ट्स वगैरह हो गए वो मैं आपसे दिखाऊँगा। मिलते अभी पार्किंग में। सो गाइस, ये है अपने दोस्त लोग, इधर गाड़ी मिल चुकी है हमारे को, पार्किंग से बाहर निकाल रहे हैं और अब जाएंगे अश्विनी खड्ड यहाँ से। और ये मैं ये चौंकू बाबू राइडर। सो अभी बैठ रहे हैं अंदर, आगे ले। दिस इज़ द टेम्पल ऑफ महादेव मंदिर जटोली। सो ये है हमारे गाइस दोस्त लोग के है, एक ये मेरे दोनों जूनियर है कॉलेज में और एक ये मेरे बड़े ब्रदर जिनकी गाड़ी है। सो अभी ऊपर जाते हैं मंदिर में, दर्शन दुर्शन करेंगे और आज दिखाते हैं आपको व्यू मंदिर का। काफ़ी अच्छा मंदिर है गाइस, हर हर महादेव गाइस। तो आज हम आए थे जटोली, ऐसा तो हमारा प्लान संडे के लिए था आने का, बट हम पहुंच गए थे कि क्योंकि संडे को यहाँ पे काफ़ी रश होता है। अगर आप भी कभी विजिट कर रहे हो जटोली मंदिर सोलन में, तो मैं तो आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप संडे को आएँ क्योंकि संडे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके भी, और काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह भी मेरे साथ आए हैं और हम विजिट कर रखे हैं सोलन के जटोली मंदिर, महाशिव मंदिर जटोली। तो आज तो ऐसे यहाँ पे कोई खास नहीं है, बट संडे के दिन यहाँ पे भंडारा भी होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं। तो एक बार दिखा दें इनको भी, यहाँ पे काफ़ी दर्शक मतलब बहुत जन आए हुए हैं। देखिए संडे के दिन मैं ये बोलता हूँ क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी वगैरह है, कॉलेजेस है सोलन के अंदर, वो सब बच्चे यहाँ पे आते हैं क्योंकि एक ही दिन होता है उनके पास यहाँ आए, क्योंकि मैं खूब याद छोटी थी तो हम भी निकल पड़े सोलन से। तो अभी जाएंगे वापसी सोलन के। और नमो नमः।
होंठ में मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह गाइस अब जा रहे हैं वापसी और हमारे पीछे बच्चा लोग फुल मस्ती करते हुए सो अब जाएंगे हम सोलन की और काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारा आज का और बस आप सपोर्ट करना गाइस मेरे को क्योंकि मैंने फ़ोन लेना है ये शूट तो मैं इन भाई के फ़ोन में कर रहा सो अब यहाँ से शूज वगैरह पहन लेंगे और शूज पहन के निकलेंगे फिर सोलन की ओर। काफी अच्छा दिन रहा गाइस और मत भेजना मैं कौन सा मर रहा हूँ फिर शाम को कॉल करने लगे फिर शाम को लगेगा भाई फोटो तो भेजो भेजना ही काफी अच्छा कॉपरेट किया भाई ने काफी अच्छा कॉपरेट किया लड़कियों को ऐसा नहीं है अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम दोस्त के क्योंकि अब थक भी काफ़ी गया हूँ सो अभी जाएंगे भूषण ज्वेलर्स और वहाँ से मंगलसूत्र का प्राइस वगैरह पता करके फिर निकलेंगे रूम की और काफ़ी थोड़े बहुत शॉट भी लूँगा मैं
रास्ते में, और मेरी शक्ल इस टाइम उतर गई है गाइस पूरी, क्योंकि थक गया हूँ बहुत। सो काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। अभी जाता हूँ पहले भूषण ज्वेलर्स, वहाँ पे प्राइस वगैरह पता करके फिर निकलते हैं रूम की ओर। तो हम पहुँच चुके हैं भूषण ज्वेलर्स गली में, ये देख सकते हो आप भूषण ज्वेलर्स। सो आगे जाएंगे, देखते हैं क्या रहता है। गाइस खचाखच भरा हुआ है भूषण ज्वेलर्स, और यार कुछ रश है आगे, तो यहीं से लेना ही है। हाँ लेना ही से पुराना तो कुछ रश है यार। ये देख सकते हो गाइस पूरा खचाखच। आज काफी बसड़ मच चुकी है यहाँ पे, और कोई काउंटर खाली नहीं है। देखते यार अब किससे पूछेंगे, गोल्ड का प्राइस पूछना था भैया, मंगलसूत्र बनाना है ना। लो जी तो उसके बारे में पूछना था। बनाना है नहीं बनाया लेना है। एमएस का बॉक्स है जो 57,300 है जी। आज 57,300 एक रेट ना, तोड़ा चल रहा है ये बहुत महंगा चल रहा है। आज इधर को आना चाहिए पहले। पूरा खचा खच भरा हुआ है। ये तो ना कहीं बहुत ज़्यादा है ना, तो इतना खबर है इसका कितना कितना बैठ रहा है इसका। देखा कि अंदर कितना ज़्यादा क्राउड था, तो हम प्राइस तो नहीं पता कर सकते, पर उन्होंने 70,000 समथिंग उन्होंने प्राइस बताया 1 तोला इन सोना। ओके तो अभी मैंने तो कुछ नहीं बोला, बट मैं घर कॉल कर दूंगा शाम को कि नहीं हो पाया मेरे से, तो आप ऐसा ही अच्छा रहेगा कि आप नीचे ही पता करें। तो मिलते हैं अभी रूम में, आज काफ़ी थक भी गया हूँ, सो चलते हैं रूम। सो गाइस अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं वापसी रूम, क्योंकि आज थक भी गए और काफ़ी फन भी गया है, और मंदिर काफ़ी अच्छा था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हर बारी की तरह यही बोलूँगा कि लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तकड़े वाला ब्लॉग लेके आएंगे फिर से कॉलेज में, क्योंकि हम कॉलेज में काफ़ी फ़न करते रहते हैं मैं और छोटा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि दो एक दिन में फिर से मैं दूसरा ब्लॉग डालने वाला हूँ छोटा। I'm gonna get it, 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 I'm gonna